हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज खूबसूरत दिन के लिए जो उसने प्रदान किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट गॉड हैज गिवन अस। और खुदा हम के शुक्रगुजार हैं कि आज वो मेरे और आपके लिए जी उठा है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी दैट ही हैज राइजन फॉर मी एंड यू टुडे। और आज हम उसके जी उठने का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हिज रेजुरेक्शन डे। और खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं। And we are very thankful to God Almighty कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया। That he came for myself in this world और आज वो मेरे लिए जी उठा है। And today he is risen for me और आपके लिए भी जी उठा है। And he has risen for you as well और हम देखते हैं कि कलाम लिखा है जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। And it is written in the word of God why you are finding the living in the dead। इससे पहले कि हम मजीद बातचीत करें, Before we further talk with you, मैं आप सबको रेजरेक्शन डे की मुबारकबाद देता हूं। I want to wish all of you a very happy resurrection day. कि आज का दिन आप सबके लिए बाइस बरकत हो। Today day will be a great blessing for all of you. आज मेरे साथ खुदा की खादमा मिसेज अनवर फजल मौजूद हैं। And today I have with me women of God, Mrs. Anwar Fazal. Welcome, Nida. Thank you. I welcome you. आपको happy resurrection day मुबारक हो। And a very happy resurrection day. Praise the Lord. और निदा आपको आज आपकी बर्थडे भी मुबारक हो। And also निदा, today is your birthday, so I wish you a very happy birthday. आज हम बड़े खुश हैं कि हम मसीह के जी उठने की ईद भी मना रहे हैं। And today we are so happy that we are celebrating the resurrection. और आपकी बर्थडे भी मना रहे हैं। And also we are celebrating. और हम सारा जलाल यीशु के नाम को। And give all glory to Jesus Christ. तो नाज़रीन मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर फादर थियो मौजूद हैं। And viewers, we are with us in this program today. We have Father Thio. और इसी तरह मिसेस थियो मौजूद हैं। And also we have Mrs. Thio with us in this program. और मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ मसीह के जी उठने की। And from me, I wish you both of you a very happy resurrection day. Praise the Lord. और इसी तरह मेरे साथ खुदा के खादम Reverend Robin Yamin Sotra साहब मौजूद हैं। And also we have with me in this program Reverend Robin Yamin Sotra. आपको भी मसीह के जी उठने की ईद की मुबारकबाद देते हैं। And we also wish you a very happy resurrection day. और हम बड़े खुश हैं आपके आने के लिए। And we are very happy for your arrival today. आपको भी मुबारक हो। Amen. और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल भी मौजूद हैं। And also we have the man of God Pastor Imran Fazal with us. इमरान फजल, आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ मसीह के जी उठने। And I also wish you happy resurrection day. Thank you भाई साहब, आपको भी ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक। And wish you the same. और इसी तरह खुदा की खादमा मैविश को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। And also today I have the women of God Mavish and he want to wish me as well. तो हम सब मिलकर आपको मुबारकबाद देते हैं। And we all together wish you all a very happy resurrection day. आज बड़े यीशु मसीह के जलाल का दिन है। And this is the day of glory of God. ये आज दुनिया की तब्दीली का दिन है। This is the day of the changing of this world. जिसने एक नया मैसेज दिया। And this day has given us a new message. और आज हम उसके नए मैसेज को सुनेंगे। And today we are going to listen the new message. और बरकत पाएंगे। And we will be blessed. तो आएं अपने सरों को झुकाएं। Let's bow our heads. हम खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। And we are going to pray with the man of God Pastor Imran Fazal. और फिर कलाम की बातें शेयर करेंगे। And then we will listen the word of God. आएं अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। Let's bow our heads and pray together. Thank you Jesus. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. बाप यीशु के नाम से खुदम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। Lord, in the name of Jesus, we are very thankful to you. आज के खुदम देख तेरे जी उठने के दिन के लिए। For today's day that you have risen for us. जो खुदम तू हमारे लिए स्लीप पर दिया गया। For us you hang on the cross. और तीसरे दिन खुदम मुर्दों में से जी उठा। And on the third day you rose again from the इस dead. इस बात के लिए खुदम देख हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा thing, है। Our heart is full of thanksgiving for you. जो आज खुदम देख हम ईदे क्यामतुल मसीह का दिन मनाया जा रहा है। And that's why today we are celebrating the resurrection day. तो आज यीशु के नाम से जितने भी खुदम तेरे बेटे बेटियां विनिंग सोल प्रोग्राम देखे। So in the name of Jesus, all those the sons and daughters and everyone who are watching this winning soul program. तू खुदम देख उनको इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत देना। You bless those viewers through this program. और जितने भी खुदम देख चर्चेज में खुदम देख ईदे क्यामतुल मसीह के हवाले से बातचीत की जा रही है। And all the churches people are doing the resurrection
resurrection day services. तमाम चर्चेस के लिए कलीसियों के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं. I ask the blessing upon every congregation and every church in the world. ताकि आज का दिन खुदा हम देख हर एक के लिए बरकत तरक्की निजात का सबब करे. So that today will be a great blessing, success and salvation for each and everyone. और इसी तरह खुदा हम तेरी खास तौर पर खुदा हम तेरी खादमा मिसेस अनवर फजल के लिए भी खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं. And I am very thankful and claim the blessing upon the women of God, Mrs. Anwar Fazal. जब आज खुदा हम तेरी खादमा की बर्थडे है. And today we are celebrating the birthday of the women of God. तो यीशु के नाम से खुदा हम देख का आइंदा आने वाला साल महीने तेरी बेटी के लिए बरकत का वसीला जा रहे हैं. So the coming months, days and years will be a great blessing for her. ताकि खुदा हम तेरी बेटी इस साल और भी खुदा हम तेरी ज्यादा खिदमत So that your women of God will do more your work in this year. जिस तरह खुदा हम तूने पिछले सालों में अपनी खादमा की मदद की, इसी तरह इस साल में भी तू खुदा हम देख बरकत देना. Previous years you bless her and help her in the coming years as well. और इस वक्त का सारा जलाल, सारी इज्जत, ऑनर हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं. And we give all the honor and all the blessings of today's fellowship and time to your son Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Pastor Imran. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. God bless you. और खुदावंद आपको तरक्की दे. And God give you success. Amen. Amen. So Nida, आज आपकी बर्थडे है. And Nida, today is your birthday. तो आप कितनी खुश हैं? How much happy you are? कि आज हम मसीह के जी उठने का ईद भी मना रहे हैं. Today we are also celebrating the resurrection day. और आपकी बर्थडे. And also your birthday. मैं बहुत खुश हूँ. I'm so happy कि आज मेरी बर्थडे भी है. Today is my birthday. और हम जब के सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु की ईद उल क़यामत अल मसीह. And also we are celebrating the resurrection day. ये दोनों जो है बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए. And both of the things are very happy things for myself. कि यीशु की कब्र भी आज खाली है. That today the grave of Jesus Christ is empty. और सलीब भी खाली है. And his cross is empty as well. और मुझे लगता है कि खुदा आज जिंदगियों में काम करता है. And I believe that today God is working in the life of other people. इसी वजह से आइज़िक टीवी. And that's why Isaac Television. पूरी दुनिया में काम कर रहा है. Working in all over the world. और यीशु जल्द आने वाला है. And Jesus Christ is coming soon. और मुझे लगता है मेरा कनेक्शन भी उसी के साथ. And I believe that I have a divine connection with him. इसी वजह से मेरी आज बर्थडे भी है. And that's why today is my birthday. और खुदावंद ने मेरी सारी दिल की मुरादें पूरी. And God has fulfilled all of the desires of my heart. अब मैं ये सोचती हूँ. And now I think this. कि मैंने पूरी दुनिया में रूहें बचानी हैं. That I have to win souls in all over the world. और पूरे वो जो बच्चे हैं जो जिनको खुदा का कलाम नहीं पहुंचा उन तक भी जाना. And those children who have still unreached from the word of God, we have to go and reach them. मैं ये सोचती हूँ. And this is my thinking and this is my vision. Amen. Praise the Lord. आप बहुत अच्छा सोचती हैं. Your thinking is very good. क्योंकि यीशु मसीह ने जब वो जी उठा. When Jesus Christ is rose again from the dead. तो उसने शागिर्दों को जब दिखाई दिया. And when he was visible to his disciples. तो फिर उसने कहा कि तुम सारी खलक के सामने जाकर मेरे कलाम की बातें करो. And that time he said to them, go and preach the gospel to all nations. तो आज हमें जरूरत है. And today we need this, कि हमें उन लोगों तक कलाम लेकर जाना है. That we have to bring the gospel to all creatures. जो मसीह को नहीं जानते. Those who are far from God. और यीशु मसीह इसीलिए जी उठा है. And Jesus Christ have rose again for this purpose. और अब्दुल बाद जिंदा रहेगा. And he will be forever alive. ताकि हम भी उसके गवाह बनकर. So that we will become his witness. हम दुनिया तक खुदा के कलाम की बशारत लेकर जाएं. तो अब मैं खुदा के खादम फादर थियो से पूछूंगा. And now I would like to request the man of God, Father Thio. Father Thio, how can you celebrate Resurrection Day in Singapore? We do the same thing you do in Pakistan. जैसे आप पाकिस्तान में करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं. We get together. हम इकट्ठे मिलते हैं. We rejoice. हम खुशी करते हैं. That Jesus Christ is alive. कि यीशु मसीह जिंदा है. We don't worship a God that cannot speak, that cannot see, that cannot hear. हम ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करते जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता. We worship a God who's alive. हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो जिंदा है. And who lives in us. और जो हमारे अंदर रहता है. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So tell me also, when you are child, that time. When they celebrate Resurrection Day, your father, mother give you also some gift and you accept some gift also? I think when I was a child, I didn't understand Resurrection Day. जब मैं बच्चा था, मैं उस वक्त Resurrection Day को मसीह के जी उठने के दिन को नहीं समझता था. They give us these eggs to eat, no? Easter eggs. वो हमें अंडे देते थे, Easter egg जिसको कहा जाता है, वो खाने के लिए. Right. It has no meaning, but today it has. उस वक्त
special meaning. Today is a special meaning. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. And so, Mom, you also tell us about Resurrection Day. How can people celebrate in Singapore? Fellowship, same father told me, you also tell us. Yeah, we do exactly the same thing. Jaise aap karte hain, hum bhi bilkul aisa hi karte hain. But I think the time has come when we should look at it differently. Lekin main sochti hun ki woh waqt jald aane ko hai jab isko hum farak nazariya se dekhenge. We live in a challenging time. Hum jis waqt se guzar rahe hain, ye bahut hi zyada challenging waqt hai. And we cannot keep looking to the back. Hum peeche hi nahi lagatar dekhte rahenge. You need to look forward. हमें आगे देखने की जरूरत है. You don't look back to Christmas. हमें पीछे क्रिसमस को देखने की जरूरत नहीं. But you move towards the second coming of Jesus. हमें यीशु की दूसरी आमद को देखने की जरूरत है. Amen. Amen. We need to look second coming of Jesus. Yes. Amen. So, Brother Robin, आप भी हमें बताएं कि जब आप बच्चे थे, फिर आप किस तरह मसीह के जी उठने की ईद मनाते थे और आज आप किस तरह देखते हैं? And brother Robin, you also tell us when you was a child how you celebrate the resurrection day and now how you see the resurrection day. हमारा बचपन जो है ना जी, वो शुरू से ही बचपन से ही हम खुदा के साथ, मेरे पेरेंट्स जो चलते थे. And from the childhood, my parents were with the God, and we walk with the God. और हम दुनियावी रस्म और रिवाज से दूर ही रहते थे. And we were far away from the customs of this world. और ये कभी भी जो है ये Easter eggs वगैरह हम इनको ना मानते हैं, ना अब मानते हैं, ना पहले मानते थे. And not even before and now and forever, we will not celebrate and we do not like the Easter eggs and all these types of customs. हम ये शुरू से हमारा ये ईमान है. From the beginning we believe this. मेरे फादर ने यही हमें बताया था. And my father has also taught us this from the beginning. कि मसीह का पैदा होने से, that the time Jesus Christ was born, उसका मरना हमारे लिए नफा है. But the time he died for us is a good thing for us, is a profit for us. क्योंकि अगर वो हमारे लिए ना मरता, because if he do not die for us, तो आज हमें ये जिंदगी ना मिलती. Then today we do not get this life. क्योंकि उसके मरने से हमने जिंदगी पाई. Because through he become dead for us, we get life. और उसका मरना हमारे लिए नफा है. He died for us, that's a profit for us. Praise the Lord, Brother Robin, आपने बहुत खूबसूरत कहा है. Praise the Lord, Brother Robin, you said very well. ये यकीनन हमारे लिए नफा है. Surely this is a profit for us. अगर हम खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसके 24वें बाब में देखें. If we look in the Gospel of Luke, chapter number 24. और उसकी 48 और 49 आयत में देखें. And if we look at 48 and 49 verse. यहाँ पर लिखा तुम इन बातों के गवाह हो. And here it is written in the Word of God that you are the witness of these things. और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है. And the look, the one the father has promised, my father has promised. मैं उसको तुम पर नाजल करूँगा. I will give you that thing. लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुवत का लबास ना मिले. But until you get the dress from the heaven. इस शहर में ठहरे रहो. Stay remain on this city. तो मैं समझता हूँ. I believe this. कि ये वादा जो उसने किया है. This is the promise what he made with us. ये उसने पूरा कर दिया. He has fulfilled this promise. क्योंकि उसने कहा. Because he said. अब मैं जाता हूँ. That now I'm going. तुम ये दूसरा मददगार भी. So that I can send you the, I can give you the second helper. जो तुम्हें तुम्हारा मददगार होगा. And that will be your helper. और ये आपने बिल्कुल भाई रोबिन सही कहा. And you said very good, brother Robin. कि ये हमारे लिए गिफ्ट है. That this is a gift for us. ये हकीकी आज मसीह के जी उठने का गिफ्ट है, रूल कुदस की सूरत में. And this is the gift, the real gift of the resurrection of Jesus Christ is the Holy Spirit. जी brother Robin. मैं इसको जरा थोड़ा सा और वाज़ह करूँगा. I want to brief you this more. कि मसीह जब पैदा हुआ, when Jesus Christ was born, तो वो हमारे लिए रहमत था. That time he was a blessing for us. उसके बाद अगर वो अपने बाप की मर्जी को पूरा ना करता, and after that if he do not fulfill the will of his father, और वो हमारे लिए, and for us, अपनी जान की कुर्बानी को कबूल ना करता, if he do not accept the sacrifice of his life for us, तो उसका पैदा होना हमारे लिए फजूल था. Then his coming, his birth is just wasteless for us. क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो गेतसमनी के बाग में, and if we saw that when he was in the garden of Gethsemane, जब दुआ कर रहा था, when he was praying at that place, तो उसने कहा, he said, कि ए बाप, oh father, अगर हो सके, if possible,
possible तो ये प्याला मुझसे टल जाए that this cup will fall from me. क्यों? Why? वो उस मौत को देख के तो घबरा गया था. When he saw that death and all that circumstances, he became afraid. तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं From here, that point, we can realize this कि अगर वो हमारे लिए ना मरता If he do not die for us, तो उसका पैदा होना हमारे लिए वो हैसियत नहीं रखता था जो आज है. Birth was in this world was not that important that much now is important. और ये इसीलिए फिर उसने कहा फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. But still he said, Father, not my, but your will be done. Thy will be done. He said that thy will be done. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया. And he fulfilled the will of his father. और उस सबसे बढ़कर And before top of this thing, अगर वो मर भी जाता, if he die, तो अगर जिंदा ना होता तो आज हमारे साथ ना होता. If he do not rose again, then he will be not with us. आज वो जिंदा है तो हमारे साथ है. Today he is alive, that's why he is with us. और उसके जिंदा होने से हम पावरफुल है. And because he is alive, that's why we have power and we are strong. और इसीलिए हम आज इबलीस का मुकाबला कर रहे हैं. And that's why today we are fighting with the devil. Amen. Amen. Praise the Lord. Brother Robin, आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया. Praise the Lord, Brother Robin. You have described it very well. खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे. God bless you more and more. और इसी तरह हम खुदा के खादम फादर थियो से रिक्वेस्ट करेंगे. And also we want to request Father Thio. You also share a message about the resurrection. And you also share a message about the resurrection day. When we think of Resurrection Sunday, जब हम यीशु मसीह के जी उठने के इतवार के दिन के बारे में बात करते हैं, we must go back in time. हमें वक्त को पीछे जाकर देखने की जरूरत है. The day Jesus Christ was born. उस दिन के पास जाने की जरूरत है जिस दिन यीशु पैदा हुआ. The devil has been trying to kill him. और तभी से इब्लीस ने उसको मारने की Because कोशिश he knew की. Jesus was a danger to him. क्योंकि वो जानता था कि यीशु उसके लिए खतरा साबित होगा. So he used King Herod. और हम देखते हैं कि उसने हेरोदीस बादशाह का इस्तेमाल किया. He had killed all the children under 2 years old. और हेरोदीस बादशाह ने इस बात का ऐलान किया कि 2 साल से छोटे जितने बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए. But Jesus escaped to Egypt. लेकिन यीशु हम देखते हैं कि मिस्र को चला गया. When Jesus grew up. और जब यीशु बड़ा हुआ. As he preached the gospel. और जब खुदा के कलाम की मनादी करना शुरू हुआ. The religious Jews didn't like it. और जितने मजहबी और यहूदी लोग थे. And they were trying to kill him. और वो तब भी उसको मारना चाह रहे थे. Stone him. उन्होंने उसको उस पर पत्थर फेंके. Push him over the cliff. और उसको इस तरह से उसके साथ बुरा सलूक किया गया. But they did not succeed. लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए. So the devil was frustrated. इस तरह से मैं देखते हैं कि जो दुश्मन है अब्लीस है वो गुस्से से भरता है और तंग होता है इस बात की वजह से. And then he woke up the people. और फिर वो जो है उठता है. Arrested him. और फिर उन्होंने लोगों को उठाया ताकि उसको पकड़वाया जाए. Had Pilate sentenced him to be crucified. और उसको पिलातुस के हवाले किया गया और उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया. And hanging there on a cross. और हम देखते हैं कि वो सलीब पर लटका हुआ है. All the devil and the principalities and the powers. और जितना अब्लीस और उसके असूल और सारे काम. They said to themselves. और वो अपने आप से कह रहे थे. Now. अब ये वो वक्त है. We have got him. कि अब हमने इसको पकड़ लिया है. But you see, this is the mystery of the gospel. लेकिन अब यहाँ पर हमें यीशु के कलाम के खजाने और पशीदा बातें नजर आती हैं. Jesus allowed himself to die. यीशु ने अपने आप को खुद हवाले किया ताकि वो मरे. His defeat. और वो शिकस्त पाए. On the cross of Calvary. और कलवरी की सलीब पर ऐसा हुआ. Is his victory. और वहाँ पर ही उसको उसकी फतह मिलती है. And that is why the Bible says. इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है. In 2 Colossians 15. और दूसरे कुलसियों उसके 15वें बाब में. Having disarmed the principalities and powers. और जब हमें ये सारे असूल और खुदा की कुव्वतें मिलती हैं. He made a public spectacle of them. तो वहाँ पर इस बात का ऐलान होता है. Triumphing over them. और उसके ऊपर उन पर वो काबू पाता है. And so in death. और इस तरह मौत पर भी उसने फतह पा ली. Jesus had victory. यीशु ने फतह पा ली. He defeated death. उसने मौत को शिकस्त दे दी. Death could not hold him. मौत भी उसको अपने कब्जा में ना रख सकी. And because death could not hold him. इसलिए कि मौत उसको अपने कब्जा में ना रख सकी. Death cannot hold us who believe. इसी तरह से जो खुदा पर ईमान लाते हैं मौत उनको भी कब्जा में नहीं रख सकती. And this is Resurrection Sunday. इसीलिए आज ये के जो जी उठने का इतवार आज हम मना रहे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus.
और खुदा के खादिम ने जिस तरह कहा है and like the man of God said, जो उस पर ईमान रखते हैं those who believe on him, उनको भी मौत अपने कंट्रोल में नहीं रख those सकती people that could not hold them as well. तो याद रखें remember this thing, आज आपकी जिंदगी की तब्दीली का दिन है today is the day of the changing of your life. यीशु मसीह आपके लिए स्लीप पर चढ़ गया Jesus Christ hung on the cross for तो you. ये आपके लिए स्पेशल दिन है today is a special day for you. इसको कभी भी ना भूलें do not forget this day. कि ये दिन स्पेशल आपके लिए एक नई लाइफ को स्टार्ट करने का दिन है। This is a very special day for you to start a new life. आप अपनी जिंदगी को यीशु के साथ शुरू करें। So that you can walk with Jesus Christ. फिर आप देखेंगे खुदा का रूह आपके साथ साथ चलेगा। Then you are going to see the Spirit of God will be always with you. और खुदा का रूह आपके हर काम में आपकी मदद करेगा। And the Spirit of God will help you in every work you do. फिर आपकी जिंदगी में इत्मीनान खुशी बरकत काम then करेगी you will have peace, love and joy in working in your life. और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं and we are very thankful to God खुदा Almighty. के खादिम ने बड़ा खूबसूरत शेयर किया the man of God shared with us very good. और इसी तरह खुदा की खादिमा से भी मैं पूछना चाहता हूं and then also I want to ask the women of God. निदा आप बचपन में किस तरह सेलिब्रेट करती थी मसीह के जी उठने की then how you celebrate the resurrection day in your childhood? जब मैं सेलिब्रेट करती थी जैसे पास्टर थियो ने बताया क्योंकि मेरी कैथोलिक बैकग्राउंड थी तो हम भी ईस्टर एग जो है ना बड़े शौक से लाइक फादर थियो वाज टेलिंग आई आल्सो बिलोंग टू अ कैथोलिक बैकग्राउंड सो वी आल्सो गेट द ईस्टर एग्स एंड ऑल दीस टाइप्स ऑफ थिंग्स और तो ईस्टर एग के अंदर डिफरेंट चॉकलेट्स होती थी वो हम अपनी पसंद से डलवाते थे एंड इन दैट एग वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट व्हिच वी चूज एंड सेड वी वांट दिस और उसके ऊपर ईस्टर एग लिखवाते थे पेंट्स के साथ एंड देन वी डू पेंटिंग एंड राइट ईस्टर एग्स ऑन दैट हमारे जो कजन्स आते हैं तो फिर हम उनको भी देते हैं एंड देन आवर कजन्स एंड रिलेटिव्स कम्स एंड वी गिव देम गिफ्ट्स एज वेल और सम टाइम मेरी बर्थडे भी हो जाती थी तो मैं एंड ऑफन आई हैव अ बर्थडे ऑन द रेजरेक्शन डे तो मैं तकरीबन 3-4 केक कटिंग हो जाती थी एंड आई ऑलमोस्ट कट 3-4 डे केक्स ऑन द रेजरेक्शन डे और काफी ज्यादा गिफ्ट भी आ जाते थे एंड आई गेट सो मेनी गिफ्ट्स एज वेल तो मेरा बड़ा अच्छा जो है ईस्टर गुजरता था एंड दिस इज हाउ आई सेलिब्रेट द ईस्टर वेरी गुड तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं and we are very thankful to God Almighty. अब आपको यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है that now God has given you a very big gift. हमेशा की जिंदगी and that's the eternal life. और यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं and we are very thankful to God Jesus. कि वो ना सिर्फ आपको बर्थडे का गिफ्ट दिया है that he had not only given you this is a birthday मैं समझता हूँ आज आपकी बर्थडे के साथ साथ but I believe along with your birthday today पूरी दुनिया को खुदा ने हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट दिया God has given a gift of eternal life to everyone in this world aur ye wo gift hai and this is that gift ki hum paison se nahi khareed sakte this gift we could not buy from money ye uske khoon se kharida hua gift hai this gift has been brought by his precious blood aur main samajhta hu ki ye wo खून है and I believe this is that blood जो मेरी और आपकी बीमारियों के लिए भी बहा है that has been shed for my and your sicknesses और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं and we are very thankful for God Almighty for this और यही गिफ्ट आज मैं आपके लिए भी देता हूं and it's the same gift I give you today thank God you. Bless you thank God you very you. Much God bless you and God bless you amen मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं I'm very thankful to God Almighty for this thing कि आपकी बर्थडे जब हम मसीह के जीवित ईद के साथ मनाते हैं But, sometimes we celebrate your birthday with the resurrection day तो मुझे खुशी होती है I become so happy कि मैं अपनी बीवी की बर्थडे और मसीह के जी उठने की ईद इकट्ठी सेलिब्रेट करता हूं I am celebrating the resurrection day and my wife birthday together आमीन amen तो इमरान साहब आप भी बताएं नाजरीन को कि आप कैसा फील कर रहे हैं आज आपने क्या गिफ्ट आपने अपनी बेगम को दिया है And Imran you also tell us how today you are feeling and what gift you have given to your wife मैं बस सब यही कहता हूँ कि जो खुदा के साथ चलते हैं ना उनके लिए हर रोज एक नया दिन सबसे अच्छा होता है एंड पास्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दोस पीपल हु वॉक विद गॉड एवरी डे इज अ गुड डे फॉर देम एंड एवरी डे इज अ रेजरेक्शन डे फॉर देम अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जिस तरह उसको लान तान किया गया एंड इफ वी लुक एट जीसस क्राइस्ट दैट पीपल हेटेड हिम एंड ही बैड एंड डिड बैड थिंग्स विद हिम स्लीप पर दिया गया And they hang him on the cross. तो ये अगर यीशु मसीह ना करता तो आज हम भी निजात ना पाते And all these thing, if Jesus Christ does not suffer for us, then we do not get the salvation. अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि And before you said very good, कि हम इटर्नल लाइफ हमेशा की जिंदगी तब भी पा सकते हैं only we get eternal life at that time to ye yesu masih ke masloob kiye jane ke wasila se hame mili hai and through his crucifixion we get the eternal life kyunki agar
وہ مسلوب نہ کیا جاتا تو ہم بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں نہیں جا سکتے تھے تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر روز جب ہم یسوع میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر نیا دن ایک اچھا دن ہوتا ہے. So when we walk in Lord Jesus Christ, every day is a new day and a good day for us. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تمام برکات کے لیے, صحت تندرستی کے لیے, for the health and every blessing of life. Praise the Lord, praise the Lord. اور خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں ناظرین. And viewers, we are very thankful to God Almighty. آج ہم مسیح کے جی اٹھنے کی عید کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. Today we are celebrating the feast of resurrection day. اور یہ پروگرام جو آپ Isaac TV پر دیکھ رہے ہیں, this program which you are watching on Isaac television, آپ same program آپ Eternal Life TV پر بھی دیکھ سکتے ہیں. And this program you are also watching on Eternal Life television. تو جتنے بھی گھروں میں dishes لگی ہیں, and all those people who have dishes in their houses, آپ اپنے گھر میں اپنے channel کو ٹیون کر سکتے ہیں. You can retune your television. اور اپنے گھر کے اندر Isaac TV کو, Eternal Life کو, دونوں کو آپ اکٹھا دیکھ سکتے ہیں. And in your house you can watch Isaac television and Eternal Life television network as well. آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں, you can tell your friends as well, کہ اب Eternal Life TV بھی ایشیا سیٹلائٹ پر آ رہا ہے. That now Eternal Life Television is also available on AsiaSat 7. تو آپ دونوں ٹی وی کے وسیلہ سے برکت پائیں, and you can get blessing from both of the television networks. اور میں آپ تمام پارٹنر کا بھی شکر گزار ہوں, and I'm very thankful for all those who are the partners of our television network, جو Isaac TV کے پارٹنر ہیں, those who are the partners of Isaac Television, جو آپ اس پارٹنر پریئر پارٹنر ہیں, you are the prayer partner, جو آپ ہمیں بلیس کرتے, and you bless us, you are the financial partners. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, I am very thankful to you. اور آپ سب کو بھی میری طرف سے مسیح کے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو, and I want to wish you all a very happy resurrection day. اسی کے ساتھ شارٹ بریک لیتے ہیں, and we'll take a short break, اور بریک کے بعد ملتے ہیں, and see you after short break. آپ دیکھ رہے ہیں Winning Souls, you are watching Winning Souls. Amen. Amen.